छींकते समय कई बार रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, तो इसे कैसे ठीक किया जाता है, आइए 3D एनिमेशन से इसकी पूरी प्रोसेस को समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले पेशेंट को बेहोश किया जाता है, इसके बाद पेशेंट की पीठ पर एक चीरा लगाया जाता है, इसके बाद कट को बड़ा किया जाता है, फिर जो